हेलो हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स हाउ यू होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल जरा एक बार बता दीजिए आवाज़ वगैरह क्लियर है कि नहीं तो एक बार जरा जल्दी से बता दीजिए आवाज़ वगैरह क्लियर है कि नहीं ताकि आज का सेशन को स्टार्ट किया जाए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग हाँ तो बताओ भैया आवाज़ वगैरह क्लियर है मुरादाबाद से नाम राम राम रेम रेम सनी चौधरी जी रेम रेम जी रेम 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 रेम, रेम।, रेम। गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग तो एक बार जरा जल्दी से आ, सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि आपका और भी लोग जुड़ जाए आज के सेशन से और स्टार्ट करें आज की क्लास गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग 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 सभी को जय हिंद जय भारत ओके 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 है गुड इवनिंग सर कॉमर्स टीजी पंद्रह तारीख के बाद आफ्टर फिफ्टींथ ऑफ मे फिटीन ऑफ मे सर पैर कैसा आपका ठीक है लात वात मार के दिखाऊं क्या किसी भैया किस आगा, आगा. <laughs> स्टार्ट करें भाई चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन हम वातावरण की किस बाग में सांस लेते सकते हैं ठीक है, है? स्नानागार में समताप मंडल में शोभ मंडल में या फिर आयन मंडल में ठीक है तो कहां पे हम सांस लेते हैं बेसिकली बताओ कहां पे हम सांस लेते हैं ठीक है आपके स्नानागार में ठीक है आपके समताप मंडल में शोभ मंडल में या फिर आयन मंडल में तो वेर डू वी ब्रीथ जय हिंद जय जह भारत गुड इवनिंग सर जी कैसे आप एकदम चंगा जी एकदम भला चंगा नफ़ंगा, सब मैं फर्स्ट का सी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया गुड इवनिंग सर चाय के साथ अभय सरोज समताप मंडल लगाते हुए अभय सरोज ऐसा तो है नहीं कि हमको सांस लेने के लिए 16 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है हैं प्लेन में बैठ के ऊपर गए वहां से सांस ली और फिर नीचे आ गए फिर सांस खत्म हो गई फिर फिर ऊपर गए फिर नीचे आ गए ऐसा तो करते नहीं है तो अपन सब कहां से आप सांस ले रहे हैं शोभमंडल में सांस ले रहे हैं भाई सी विल बी द राइट आंसर ठीक है तो सी इसका क्या है सही उत्तर है तो सी इसका सही उत्तर है दैट इज हम सब सारे सांस ले रहे हैं कहां पे आपके इज आपका में ठीक ठीक है है तो आंसर दिस क्वेश्चन नंबर विल बी सी चलो अगला क्वेश्चन आपका इसके स्क्रीन पे आपसे पूछता है भूमध्य रेखा गुजरती है पाकिस्तान से माल्टा से मलेशिया से या फिर इंडोनेशिया से बताइए भूमध्य रेखा कहां से गुजरती है अरे सर जी गलती से भी लग गया कोई बात नहीं ठीक है तो भूमध्य रेखा आपकी कहां से से गुजरती है वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन घाघरा घाघरा नदी से प्रणाम। गागरा नदी प्रणाम ये कौन सी नदी है भाई घाघरा नदी चोली नदी माल्टा से गुजरती है माल्टा में दारू पी रही थी भूमध्य रेखा बैठ गए चलो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी इंडोनेशिया ठीक है तो आपके सिक्सटीन सॉरी सेवनटीन अलग अलग कंट्रीज है जिनमें से आपका एक है कौन सा इंडोनेशिया जहां से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है मैंने आपसे बोला था कि आपको राज्य बता दिए सत्रह देशों के नाम याद रख ले जो कि आपके भूमध्य रेखा से पास होते हैं इस इसका क्वेश्चन बनता है आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी नेक्स्ट थिंग अक्षांश की एकमात्र रेखा जो देशांतर के किसी भी रेखा जितनी बड़ी है वह है मकर रेखा प्राइम मेरिडियन कर्क रेखा या फिर भूमध्य रेखा तो द ओनली लाइन ऑफ द लैटिट्यूड विच इज एज लार्ज एज लाइन ऑफ द लॉन्गिट्यूड इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्राइम मेरिडियन ट्रॉपिक ऑफ सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन प्राइम मेरिडियन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर में है ये लखनऊ के वे में पड़ता है लखनऊ कभी गए नहीं है ना क्या बता गागरा नदी नदी का नाम सही है घाघरा नदी मैं भी एक नदी बनवाऊंगा टोली नदी घाघरा नदी जींस नदी ठीक है पेंट नदी बुरसट नदी लोगो हटवा दीजिए एक मिनट ठीक है तो बताइए अक्षांश की एकमात्र रेखा जो कि आपकी हां हटवा रहा हूं हटवा रहा हूं हटवा रहा हूं हो रही है हट रही है हट रही है ठीक है तो बड़ी होती है किसके बराबर भूमध्य आपके देशांतर के बराबर आपका इक्वेटर ठीक है तो जो आपका इक्वेटर है ये आपका एज मच एस ठीक है आपका लार्ज होता है लंबा होता है किसके बराबर आपकी ठीक है देशांतर के बराबर तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी इस प्रश्न का जो उत्तर है दैट इज आपका D. तो डी विल बी द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट सिंग इज अगला प्रश्न कौन से दो देश सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं चिली और अर्जेंटीना अमेरिका और कनाडा अमेरिका और मेक्सिको ब्राजील और पेरू तो कौन से दो देश आपकी सबसे लंबी सीमा को साझा करते हैं बताए कौन से दो देश सबसे लंबी सीमा को साझा करते हैं तो ब्राइटनेस और लोगा हटवा दिए ब्राइटनेस तो ठीक है बेटा तो वेरी गुड वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका अमेरिका और कनाडा ठीक है तो अमेरिका और कनाडा आपकी दो देश है जो आपकी सबसे लंबी सीमा को क्या करते हैं साझा करते हैं ठीक है तो वेरी गुड बी विल बी द राइट आंसर तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दैट इज बी ठीक है तो बी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपका जो आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है वो ये पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होगा ठीक है मतलब इफेक्ट की वजह से आपका क्या होगा ऑक्सीजन उत्पादन में वृद्धि होगी अधिक वर्षा होगी वायुमंडलीय दबाव में कमी होगी या तापमान में वृद्धि होगी ठीक है तो आपसे पूछा जा रहा है

बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट आपकी जो नेचर में प्रकृति में आपका क्यों आया है ताकि आपके अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके बट ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज मानव निर्मित सॉरी uh, मानव गतिविधियों की वजह से आपका क्या हुआ ये जो गैसे थी एनवायरमेंट में इनका नंबर डबल हो गया जिसकी वजह से आपका देयर विड बी सडन राइज इन द देशर एंड दिस सडन राइज इन टेम्परेचर ठीक है इन टर्मिनोलॉजी वी कॉल इट एज ठीक है हम क्या बोलते हैं इसे ग्लोबल वार्मिंग ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं वैश्विक बोलते हैं ठीक है तो इससे आपका क्या हो रही है वैश्विक हो रही तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी तापमान में वृद्धि हो रही है तो डी विल बी द राइट आंसर ठीक है वेरी गुड जॉन टिंडल ने आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कंसेप्ट आपका तब वो जो सब फॉरियर ने दिया था शब्द so आपका सवानते आंसर टू दिस नेक्स्ट थिंग आपका कोयला से बनता है मतलब किससे बनता है कोयला चट्टानों से बनता है मिट्टी से बनता है कार्बनिक पदार्थों से बनता है या फिर लवा से नहीं लावा से लावा से किससे बनता है कोयला कोयला कैसे बनता है बताओ सर की एक्टिविटी के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई ऐसा नहीं है कोयला किससे बनता है का रॉक पत्थरों से बनता बहुत बढ़िया सबास से बनता बहुत शाबाश लोगों तो को ना ग्लोबल अवार्ड देना चाहिए ठीक है तो कोयला आपने ठीक है टेंथ क्लास से कोयला बनने की प्रोसेस बड़ी होगी कि जब आपका जानवर और पौधे ठीक है मर जाते हैं तो उनके ऊपर क्या ठीक है लेयरिंग होने लगती है किसकी की यही नीचे जाके आपका किस में चेंज हो जाते हैं ठीक है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में फॉसल फ्यूल में चेंज हो जाते हैं अगर ये आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाता है उसको आपका पेट्रोलियम बोलते हैं सॉलिड मास को आप कोयला बुलाते हो तो कार्बनिक पदार्थों से बनता है सी विल बी द राइट आंसर ठीक है तो तुम सब लोगों को अवार्ड देना चाहिए मतलब बुला के अलग से खड़ा करके सम्मानित किया पत्थरों से कोयला बन रहा है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी नेक्स्ट थिंग इज ठीक है लावा से बना रहे लावा से आगे ने चट्टान बनेगी कोयला बनेगा सौर so ऊर्जा है ऊर्जा का गैर नवीनीकरणीय स्रोत ऊर्जा का प्रदूषण स्रोत ऊर्जा का सीमित स्रोत या ऊर्जा का अक्षय स्रोत सोलर एनर्जी इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पॉलिटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी वेरी लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी या रिन्यूबल सोर्स ऑफ एनर्जी लावा से काली मिट्टी बनती हम सही है, सर, था अच्छा है। यही तो पढ़े थे हजारों वर्ष <laughs> अच्छा ही <है। laughs> बढ़िया है चलो वेरी गुड अजय अजय तेरे को पढ़ाऊ में

टेक बिलियंस ऑफ इयर्स तो बिलियंस ऑफ ईयर्स में हम रहे या ना रहे ये हमको नहीं पता ठीक है ह्यूमन स्पीसी सर्वाइव करेगी नहीं करेगी हमको नहीं पता ठीक है बट हम मान लेते हैं सर्वाइव करती है तो ये कायदे से अगर देखा जाए तो इट इज नॉन रिन्यूएबल बट हमारे लिए तो ये भाई रिन्यूएबल है ठीक है हम देख जाएंगे हमारी सात पुस्त अगली पुस्त देख जाएगी वो काबिया हमको सात पुस्त जिंदा रहे नहीं रहे हमको नहीं मतलब तो डी इट इज अ अक्षय ऊर्जा का स्रोत ठीक है इसी को आप नॉन कन्वेंशनल इसी को आप क्या बोल सकते हो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी गैर पारंपरिक ठीक है तो इसी को हम क्या बोलते हैं ठीक है गैर पारंपरिक ऊर्जा बोलते हैं क्लियर है मेरा सब सही हो रहा है बहुत बढ़िया एस्टेट कब आएगा जब बेटा सरकार की मजरी, मर्जी होगी तब आएगा हमारे चिल्लाने से तुम्हारे से सरकार नहीं निकालने वाली सरकार क्या बोलू मैं सरकार ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य कांच का मुख्य घटक है तो जो आपका कांच है बेसिकली काय से मतलब उसका बेसिक घटक क्या है पानी है संगमरमर है पाउडर माइका है मीका नहीं है ये ये वो नहीं है वो नहीं है माई का है ठीक है तो ससुराल का होता है एक मई का होता है मई का ठीक है या फिर सेंड चलिए वेरी गुड तो आपका जो बेसिकली जो सामान्य कांच है ठीक है कांच को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यूज करना पड़ता है क्या अः क्या बोलते हैं उसको सैंड यूज करनी पड़ती है ठीक है रेत यूज करनी पड़ती है इस रेत के अंदर सिलिका होता है आप इसको गर्म करते हो सिलिका पिघलने लगता है उससे आपका कांच की फॉर्मेशन होती है फिर आप इसमें अलग अलग टाइप के कलर मिला सकते हो अलग अलग केमिकल को डाल के ठीक है प्लस क्राउन ग्लास प्रिंट ग्लास अलग अलग टाइप के आप ग्लास बना सकते हो आपको केमिस्ट्री में आपके सर ने पढ़ाया होगा ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी नेक्स्ट थिंग इज भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप क्षेत्रफल कौन सा है ठीक है तो विच इज लार्जेस्ट आइलैंड एरिया ऑफ द मेडिटेरेनियन सी सार्डिनिया कोर्सिका आंड सांड नहीं सैंड हांड से नहीं बनता सांड को पकड़ के थोड़ी भट्टी में झोंक देते हांड दिख रहा है झोंक चल आजा, तेरे से कांच बनाए जूड़ा बनाया आपने नहीं तो एंटीना जुड़ा कहा है <coughs> तो वेरी गुड तो भूमध्य सागर का मेडिटेनियन सी का आपका सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो है आपका इज सिसिली ठीक है तो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा जो आइलैंड है सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है आपका क्या इज सिसिली। तो बी आंसर बी तो बी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा is, विश्व में महासागरों की कुल संख्या कितनी है सात चार पांच या छ में महासागरों की कुल संख्या कितनी है सात चार पांच या फिर छ नहीं पता बता सिसली सिसली बताइए विश्व में महासागरों की कुल संख्या कितनी है सात चार पांच या, पता, पता सिसली, सिसली। चार पाँच या बहुत बढ़िया गजब 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 वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है तुम्हें जय नहीं पता जिंदगी में कहां करोगे तुम मतलब इतना सरल नहीं बता पा रहे आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी फाइव ओशियंस आर देयर ठीक है कौन-कौन से फाइव ओशियंस हैं ठीक है, है प्रशांत महासागर अटलांटिक ठीक है आपका अंटार्कटिक जिसको आप सदन ओशन भी बोलते हो ठीक है हिंद और आर्कटिक ठीक है तो दीज आर द फाइव ओशन इन द वर्ल्ड सेवन तो बेटा कॉन्टिनेंट है सात महादेश महा नहीं महाद्वीप महादेश का होता है ठीक है तो प्रशांत महासागर एटलांटिक अंटार्कटिक ओशन जिसको आप सदन ओशन भी बोलते हो दक्षिणी महासागर भी बोलते हो ठीक है हिंद महासागर आर्कटिक महासागर ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका विल राइट आंसर ठीक है साथ लगा रहो, का करोगे तुम ना कटवाओ ब्लैक गोल्ड काला सोना किसे कहा जाता है कोयले को पेट्रोलियम को ईथर को या फिर हाइड्रोकार्बन मैंने तो पहली बार नाम सुना है बढ़िया काय का ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है काला सोना किसे कहा जाता है ठीक है तो वेरी गुड ठीक है तो आपका जो ब्लैक गोल्ड है ठीक है काला सोना जो है ठीक है सोना तो मुना, का है सोना। ठीक है ये आपका किसे बोला जाता है ये आपका पेट्रोलियम को बोला जाता है ठीक है आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी पेट्रोलियम ठीक है तो पेट्रोलियम को आपका काला सोना बोला जाता है इसे आप ब्लैक लिक्विड भी बोलते हो काला तरल भी बोलते हो अगर आपसे कोई पूछ ले काला द्रव्य कौन सा है अब आप बताओगे पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है सेडिमेंट्री रॉक से सी बेड से अपसादी चट्टानों से ठीक है तो बी विल बी द राइट आंसर सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है सबसे ज्यादा उत्पादन कहां से हो रहा है पेट्रोलियम का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से राज्य से हो रहा है कोल से नहीं बेटा पेट्रोलियम काला सोना कौन से राज्य से हो रहा है जल्दी बताओ कोयले को क्या बोलते ब्लैक डायमंड नहीं कुछ नहीं बोलते कोयले को कोयला ही बोलते पेट्रोल काला नहीं काला बेटा पेट्रोलियम होता है निकलता पेट्रोल और जो पेट्रोल निकलता है वो ऑरेंज होता है जिससे पेट्रोल निकलना है वो कच्चा तेल बोल उसको पेट्रोलियम बोल वो काला होता है झारखंड से कोयला अबे पेट्रोल पूछ रहा हूँ पेट्रोल ठीक है पेट्रोल सबसे आ, उत्पादन कहाँ से हो रहा है राजस्थान से और सबसे आ, आपकी रिफाइनरी कहाँ है दैट इज आपके असम में चलिए नेक्स्ट थिंग इज क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है सुन सुन हो हस्बैंड गलत कर दो गुजरात डालेंगे इस बार तुम सबको तो यहाँ बुलाएंगे मैंने पेट दर्द हो रहा है गोली खाओ गोली खाओ अरे बेटा सर आप दौड़े दौड़े के जी एफ के हीरे लग दे हो कनेडा हरे कनेडा लगाने वालों डंडा का ठीक है चलो तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ठीक है आपके टॉप जो है वो है कौन से ठीक है आपको एक ट्रिक भी बताई थी रुक्कू बाई ठीक है रूस है रूस कनाडा चाइना यूएसए ब्राजील ऑस्ट्रेलिया इंडिया ठीक है तो भाई में सबसे पहला किसका है दैट इज रूस का तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी प्रश्न का जो उत्तर है दैट इज आपका जम जमाना जाए जरा जल नीचे अरे यार क्यों नहीं देता है ऐसे तो, तो वो बोलता है जिसका टाइम पूरा हो जाता है वेरी गुड वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो है आपका ए आ चला गया ए डैम ना फूल नामक सुंदरवन डेल्टा सुंदरवन डेल्टा लाइज इन द वेस्टर्न बंगाल ठीक है इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया ठीक है अगर आपसे कोई पूछे लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है सबसे बड़ी रामसर सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है तब तो आप बताओगे क्या सुंदरवन ठीक है तो लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया इज सुंदरवन ठीक है तो अलेवेंथ का आंसर क्या हो जाएगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न है कंगारू प्लेटिपस और कोआला भालू ठीक है अच्छा कोआला कोआला भालू ठीक है कहाँ के वन्य जीव है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण अमेरिका के यूरोप के या अफ्रीका के मतलब मेरे भाई वाले जगह पर योर ब्रस योर ब्रदर योर सिस्टर डोंट एग्जांपल ऑफ इन सीटू largest mangrove site with your brother your sister you are right actually you are telling everything about that Sundarvan delta is right we can found the respiratory roots over there too very good very good no 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 my country my country my country no 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 my country where i used to belong to my country आंसर तू दस यो ब्रदर यो सस्तार ठीक है यो तो तो गलत हो गया ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन मैं कितना भी बोलू तुमसे तुम क्यों अपना गलत कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया कंगारू कहा अफ्रीका में थोड़ी देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया की एंडेमिज्म है ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया की एंडमिज्म है ठीक है आंसर टू दिस क्वेश्चन का जो उत्तर तो फेस अगर ब्लैक होता अफ्रीकन जैसे लगते हैं अरे मैं हूं माई कॉन्ट्री तो मैं प्रमोट कर रहा हूँ माई कॉन्ट्री को दैट डीन की आंसर माई कॉन्ट्री होगा कंगारी इतने एग्रेसिव क्यूँ होते हैं उनको थोड़ा सा रहता है उनको ऐसा लगता है आप उसके बच्चों को छेड़छाड़ के चले जाओ मतलब लेकर चले जाओगे वो तुरंत पंच कर देते दे आर गुड बॉक्सर्स सर आतंकवादी जैसे क्यों लग रहा बिकॉज आई एम चलो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट थिंग इज अगला क्वेश्चन सॉरी सॉरी फॉर ऑफ माइ स्लैंग

और आज भी बीड़ी है जल पे ही। तो बताओ तो मृत सागर को मृत सागर क्यों कहा जाता है वाई डेड सी इज कॉल्ड डेड सी ठीक है द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बिकॉज ऑफ द हाइएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द सी मतलब जितने भी सी है उन सारे सी में सबसे ज्यादा सॉल्ट यहाँ पे है ठीक है अगर आप लेक की बात करोगे वैन लेक में सबसे ज्यादा सॉल्ट है अगर आप पॉन्ड की बात करोगे तो गेटेल पॉन्ड में सबसे ज्यादा सॉल्ट है ठीक है तो जितने भी सी है उन सारे सी में सबसे ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन इसी में देखने को मिलती है और कितनी देखने को मिलती है तीन ग्राम पर लीटर तीन ग्राम पर लीटर ठीक है दैट इज द सॉल्ट दंसनट्रेशन इफ यू आर गिविंग सी टेट तो सी टेट में आपको लगाना है तीन ग्राम पर लीटर क्योंकि आपकी एनसीआरटी में इतना ही दिया हुआ है बट रियलिटी में 330 ग्राम पर लीटर ठीक है और इस 330 ग्राम पर लीटर होने की वजह से यहाँ पे कोई भी एक्वाटिक लाइफ पनप नहीं सकती एक्सेप्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है तो इस समुद्र में आपके कोई भी मछली वगैरह नहीं रहती है दैट्स आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी ठीक है तो इसमें नमिक की हाँ नमक की अधिकता की वजह से इसमें आपके क्या नहीं पनपती है मछलियां नहीं पनपती है सर जी नमस्ते आपका पेन कैसा है हंसते हुए पूछते हुए पीपीटी नहीं बेटा ग्राम पर लीटर पीपीएम में नहीं होता ग्राम पर लीटर में होता है सॉल्ट की कंसंट्रेशन और पीपीटी नहीं होता पीपीएम होता है पीपीटी तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है दिए गए क्षेत्रों में से भूमध्य रेखा किस क्षेत्र से होकर गुजरती है यो ब्रदर यो सतार नाउ तो यू कैन मेंशन यो ब्रदर यो सतार सो दो इकोतर इकोतर यूजुअली पास थ्रू विच कॉन्टिनेंट

अफ्रीका आपका ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से आपके सारे लैटिट्यूड पास करते हैं तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए ठीक ठीक है है तो सारे लैटिट्यूड दैट इज आपका इक्वेटर कैप्रिकोन एज वेल एज आपका वो कैंसर सब पास करता है यहां से तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए नेक्स्ट थिंग इज आपका खाने के खराब होने के बाद कौन सी चीज बदल जाती है गंद और आकार स्वाद और आकार गंद और स्वाद और स्वाद और आकार

बताओ वेरी गुड तो आंसर टू दिस क्वेश्चन जब आपका खाना खराब होता है तो क्या बदल जाता है उसका गंध ठीक है आपने सूंघ के देखा होगा कभी रोटी वगैरह दाल वगैरह सड़ जाए तो ठीक है तो गंध भी आती है तो अपन देखते नहीं अपन तो इंडियन अपन तो पहले ऐसे से उसा उसा लग रहा है फिर भी अपनी मन में चुल उठती है एक बार थोड़ा सा तो मुंह में ले। ही ले खराब हो गया ठीक है जब तुमने सुन लिया तू आ चुकी है तो काय को चाट रहे हो उसे हैं? ठीक है मतलब सुन के थोड़ा सा अट्टा ठीक है तो ऐसा मत किया करो अगर उसमें शिगला विगला हुआ ना तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी नेक्स्ट थिंग इज निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे लंबे नदी है अमेजन यांगसी यांगो नील या मिसिसिपी मिसौरी यही सच्चाई है हम भारतीय हैं हम ऐसे करते हैं उनको पता है ठीक है तो आपकी सबसे लंबी नदी कौन सी है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत अच्छा हुआ किसी ने ये नहीं लगाया ठीक है तो नील इज द विच इज लोकेटेड नियर द बैंक ऑफ द इजिप्ट ठीक है मिस्र तो मिस्र के किनारे में आपकी जो नील नदी है ठीक है जिसको इजिप्ट का मतलब गिफ्ट ऑफ अः इजिप्ट भी बोला जाता है ठीक है नील नदी है और ये आपकी सबसे लंबी है और सबसे बड़ी जो है वो है आपकी अमेजन ठीक है तो अमेजन इज लार्जेस्ट और नील इज द लॉन्गेस्ट ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी नेक्स्ट थिंग इज अगला क्वेश्चन धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या देंगे आपको मतलब अगर आप मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा नमक और हाइड्रोजन मिलेगा धातु हाइड्रेट और हाइड्रोजन मिलेगा नमक और पानी मिलेगा धातु हाइड्रेट और पानी मिलेगा हाँ <coughs> नील लंबी है तो बताओ क्या मिलेगा तो बाबा जी का टल्लू मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा बताओ अरे कहाँ चला गया सर मैं लाइक किए वेरी गुड थैंक यू कृपा बता दीजिए क्या गलती हुई मेरे से क्या हो गया मतलब तुम क्या पूछ रही हो नहीं पता है ठीक है इतनी इजी रिएक्शन नहीं कर पा रहे तुम लोग देखो मेटल ऑक्साइड है कोई भी मेटल ऑक्साइड उठा लो ये लो मेटल लिखो एक एक मेटल लिख लो ठीक है जैसे कि सी ठीक है कैल्शियम इज एम मेटल ठीक है प्लस एसिड कोई सा भी एसिड ले लो एस सी एल ठीक है तो आपको बैलेंस ही बनानी पड़ेगी ठीक है देखो ये सी सीए आपका किससे रिएक्ट करेगा सीएल से रिएक्ट करेगा और ये एच आपका किससे रिएक्ट करेगा ओ एस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा सी एस एल टू कैल्शियम क्लोराइड प्लस एच टू ओलेंस ही लगा लेना टू एस सी एल ठीक है ये बैलेंस हो गई इक्वेशन ठीक है तो आपका आंसर हो जाएगा ये क्या है सी ए सी एल टू ये आपका नमक है ये आपका वॉटर है तो नमक और वॉटर सी बन जाएगा आप कोई सा भी उठा लो ठीक है आप एम जी मैग्नीशियम ऑक्साइड उठा लो उसका आप एस से रिएक्शन करवा दो या फिर एन से रिएक्शन करवा दो ठीक है तो एम ठीक है एम बन जाएगा ठीक है और आपका एच टू ओ प्लस एन ए आपका अलग निकल जाएगा ठीक है तो आपका क्या बन जाएगा दैट इज सी बन जाएगा ये तो बहुत इजी रिएक्शन है ये तो तुमने नाइन्थ क्लास में पढ़ी होंगी ठीक है नेक्स्ट थिंग इज कैल्शियम सल्फेट ठीका या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का क्या नाम है बेकिंग पाउडर मीठा सोडा प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर जिप्सम। अब तो सुंदली चौधरी वो हाइड्रोक्साइड है ऑक्साइड नहीं है जो तुम बना रही हो हाइड्रोक्साइड है एनएच तो आप सुंदर देखते हो मजाक <laughs> मेरे साथ मजाक

और इसी को हम साइंस में ठीक है होता क्या है जब आप कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड को प्लस टू एच टू ओ को कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को 373 केल्विन पे आप गर्म करते हो ठीक है तो इसमें आपका जो बसता है ये बसता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट ठीक है और आपका इसी चीज को हम बोलते हैं क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी इसको हम बोलते हैं जिप्सम ठीक है तो जिप्सम को जब आप 373 सेवेंटी पे जलाते हो तब आपका बन जाता है क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओ आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी सी विल बी द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट थिंग इज निम्नलिखित में से कौन सी धातु चमकदार नहीं है गैलियम सीजियम पारा हीरा गुड इवनिंग बेटा मलिक सर ऐप पर क्लास नहीं चल रही है अच्छा ऐप वाली प्रॉब्लम कल तक सॉल्व हो जाएगी जिन लोगों की आपकी क्लास नहीं चल रही है उनकी प्रॉब्लम कल तक सॉल्व हो जाएगी स्टिल अगर नहीं होती है तो सेवन 7... अगर नहीं होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ठीक है तो आप क्या कर देना 7042465414 पर अपना WhatsApp डिटेल मतलब अपना जो रजिस्टर्ड है जिस मोबाइल नंबर से ठीक है आपका ऐप और अपना कोर्स का डिटेल भेज देना वो आपकी सही करवा दी जाएगी चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी कौन सी धातु चमकदार नहीं है देखिए आपकी सारी की सारी मेटल क्या होती है लस्चरस होती है ऑल मेटल्स आर लस्चरस ठीक है तो इसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं है ठीक है बट यहाँ पे आपका जो हीरा है यह आपका चमकदार नहीं है हालांकि हीरा कोई मेटल नहीं है ये नॉन नौ, मेटल था ठीक है और नॉन मेटल भी नहीं था ये एलिमेंट था ये गलत टाइप हुआ है ठीक है ठीक हीरा आपका चमकदार नहीं होता तो डी विल बी द राइट आंसर यूपी के लिए भी है क्या रागिनी वर्मा आप कर सकती हो बिकॉज जीएस तो सभी में आता है बाकी आपकी यूपी बी एड की स्पेशल क्लास भी अलग से चल रही है पारा तो चमकदार है लाली पारा तुमने चमकते हुआ ना देखो थर्मोमीटर के अंदर हीरा नहीं चमकता है याद रखना हीरे की कोई चमक नहीं होती हीरे में जब लाइट जाती है तो एक फिनोमिना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तुम्हारे केमिस्ट्री के, वाले सर ने पढ़ाया होगा ठीक है इसलिए वो चमकता हुआ दिखता है अदरवाइज हीरा कभी नहीं चमकता मेटल में सोडियम नहीं नहीं चमकता है शायद थोड़ा सा सोडियम भी चमक मारता है सर ये तो एलोट्रोप होता है हां जी ठीक है याद रखना हीरे की कोई चमक नहीं होती हीरे में जब लाइट जाती है तो एक फिनोमिना होता है फिजिक्स का जिसको हम बोलते हैं टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उस रिफ्लेक्शन की वजह से हीरा चमकता हुआ दिखाई देता अदरवाइज हीरे में चमक नहीं होती ठीक है हम तो देखे टी आई आर की वजह से देखे हो हीरे की चमक थोड़ी देखे हो चलो वायुमंडल की सबसे भारी परत में किस गैस की उपस्थिति सूर्य के प्रकाश की परावनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है ही presence of which gas in the outermost layer of the atmosphere does not allow ultraviolet of the sunlight to reach earth helium ozone oxygen freon abe freon nahi hai freon ha ka, ka type karte rehte hain ganja peete hai ka freon bataiye तो वेरी गुड तो आपके वायुमंडल में बेसिकली कौन सी गैस आपकी क्या कर रही है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर रही है दैट इज आपकी ओजोन ठीक है तो ओजोन आपकी रोक लेती है आपकी अल्ट्रावायलेट बी को एज़ वेल well एज़ अल्ट्रावायलेट सी तो यहाँ आती नहीं अल्ट्रावायलेट बी मेनली आपकी इसको रोकती है पास कराती है अल्ट्रावायलेट ए को ये <coughs> चलो नेक्स्ट थिंग इज अगला क्वेश्चन ठीक है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रतिक्रियाशील धातु नहीं है सोडियम पोटेशियम सोना या एल्यूमिनियम कौन सी धातु प्रतिक्रियाशील नहीं है रिएक्टिव नेचर की नहीं है ठीक है सोडियम पोटेशियम सोना या एल्यूमिनियम प्रदूषक वेरी गुड भीमसेन से नारे वेरी गुड ठीक है आंसर टू दिस क्वेश्चन है ऐसा कभी नहीं होता ही सोने का हर पैरियो औरत थोड़ी देर में जलन लगे यहाँ जल जल के सोना गायब हो जाए ठीक है आंसर टू दिस क्वेश्चन शॉपर क्या है जो हाल ही में कभी कभी समाचारों में देखा गया था इ कॉमर्स वेबसाइट एक मेलवेयर है एक रोबोट है या खरीदारी के लिए एक इलेक्ट्रिक वाहन है तो शॉपर्स क्या है एजी नहीं बेटा ए यू ए जी तो सिल्वर का होता है सिल्वर तो रिएक्टिव होती है ए यू गोल्ड किसके लिए बना है औरतों के लिए गोल्ड किसके लिए बना है औरतों के लिए औरतों के लिए, और तो लिए. और तो लिए. सबसे ज्यादा गोल्ड कौन पहनती है औरत मर्द कम पहनते हैं साउथ वाले छोड़ के ठीक है तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है तो शॉपर आ गया है हाल ही में आपने सुना होगा एक प्रकार का क्या आया था मालवेयर आया था ठीक है मालवेयर प्रोग्राम आया था एक तरीके का वायरस आया था ठीक है जो कि आपके इंटरनेट मतलब सिस्टम की स्पीड को स्लो कर देता था तो बी विल बी द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट थिंग इज उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा है दैट इज 20 जून 21 जून 22 जून या फिर इनमें से कोई नहीं बॉयस भी तो पहनते चेन हाँ बॉयज पहनते हैं बट कम पहनते हैं औरत ज्यादा पहनती <laughs> जी आज की खुशी का राज क्या है हे, हे, राह नहीं जाता खुशी का राज क्या है क्योंकि तो तुम हमसे आप कैसे हो गुरु जी आई एम फाइन ठीक है तो वेरी गुड तो उत्तरी गोलार्ध का नॉर्दर्न गोलार्ध का सबसे लंबा जो दिन होता है वो इक्कीस जून होता है वहीं पे आपका दक्षिणी गोलार्ध में ये आपका क्या होता है सबसे छोटा दिन होता है ठीक है है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? वो बताइए चलिए तो बी बी विल द राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहना तब तक, तक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं निम्नलिखित में से किसने राइबोसोम की खोज की थी जॉनी पैलेट ने पलाड़े पलाड़े वो पलाड़े अरे पेलेड ने ठीक है बोबरी ने अलवर्ट बोन कॉलिकर ने या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने तो राइबोसोम जिसे आप प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हो ठीक है बाईस दिसंबर वेरी गुड ठीक है जिसे आप प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हो उसकी खोज किसने करी थी आंधी आ गई सर हमारे यहाँ ठीक है तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है तो आपकी राइबोसोम की जो खोज करी थी वो किसने करी थी पैलेट ने बुक करी थी इसलिए कभी कभार राइबोसोम को हम पैलेट पार्टिकल्स भी बोलते हैं पैलेट के कण भी बोलते हैं ठीक है तो हम राइबोसोम को क्या बोलते हैं पैलेट के कण भी बोलते हैं ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए नेक्स्ट थिंग इज आपका निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज काम करने वाला एंजाइम है ठीक है पेप्सिन कार्बनिक एनाइड्रेस डीएनए पॉलिमरेस या डीएनए गए तो इस दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम सबसे तेज काम करने वाला एंजाइम कौन सा है पैप्सिन है कार्बोनिक एनाइड्रेज है डीएनए पॉलीमरेज है डीएनए गायरेज है रॉबर्ट कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की वेरी गुड रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की वेरी गुड सर बी ऑप्शन बता दीजिए कौन सा सटन इन वोवरी की तो क्रोमोसोमल थ्योरी थी बेटा चलिए वेरी गुड तो दुनिया का सबसे तेज काम करने वाला एंजाइम जो है वो है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये आपकी लाल रक्त कोशिका के भीतर में मिलता है जो सबसे धीमे काम करने वाला एंजाइम है वो आपका है लाइसोजाइम ये आपके आंसू और आपके सलाइवा में लार में मिलता आंसु एवं तो <coughs> so, सबसे तेज काम करता है आपका कौन ठीक है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस ठीक है तो बी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट थिंग इज समर समंदर अच्छा समंदर बहुत बढ़िया सैलेमेंडर ठीक है किस वर्ग में आते हैं ठीक है मीन वर्ग में एवेस वर्ग में सरीसृप वर्ग में या उभयचर वर्ग में तो आप बहुत चेंज हो गए में आईजीए भी होता है हां जी बॉडी के हर सिकेशन में आईजीए होता है ठीक है तो सेलेमेंडर आपके किस ग्रुप में आते हैं चिपकली जैसे दिखने वाले जीव होते हैं जिनकी बॉडी चिपचिपी और नमीदार होती है हो, और चिपचिपी और नमीदार आपकी ओबेचर में होती है ये जहरीले होते हैं सेलेमेंडर छिपकली आपकी जहरीली नहीं होती है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी नेक्स्ट थिंग इज निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गलत रूप से युग्मित है साइटोकाइनिन बुढ़ापा प्रेरित करता है ठीक है ठीक है एब्सिसिक अम्ल अधिक वाष्पुत सर्जन के लिए ऑक्सिन ठीक है शिखर प्रभुत्व के लिए और जिबरलिन आपका जो तो बीज की सुप्तावस्था होता है उसको तोड़ता है ठीक है बीज एवं कली की अवस्था तोड़ता थीके? तो आंसर विल बी ए और बी दोनों ही गलत है ठीक है ए और बी आपके दोनों ही गलत है ठीक है यह आपका बुढ़ापे में जाने से रोकता है ठीक है प्रेरित नहीं करता और यह आपका वाष्पोत्सर्जन को कम करता है मतलब लेस ट्रांसपेरेशन के लिए रिस्पॉन्स ठीक है क्लियर नेक्स्ट थिंग इज आपका मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा एवं संतुलन बनाए रखता है

आपका सी uh, dormancy को सॉरी uh, सेनेसेंस uh, को आपका क्या करता है स्टॉप करता है रोक के रखता है ठीक है तो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सर का बलम ठीक है सैरी बलम आपका बॉडी बैलेंस और पोस्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट थिंग इज आपका पक्षियों का उत्सर्जन अपशिष्ट है मतलब जब तुम सजधज के कभी जा रहे होते हो रास्ते में एकदम से ऊपर से टप करके ठीक है एकदम से ऊपर से टप करके जो आपके बगल में गिरता है सर राजस्थान पीजीटी का फॉर्म आया तैयारी कहाँ से करे है, देखते बेटा बताते ठीक है टप करके बगल में जो गिरती है बीट उस बीट में क्या होता है यूरिया होता है यूरिक एसिड होता है अमोनिया होता है या फिर सभी होते हैं सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन हाँ जी अंकुर जी सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन और सैरेबल इज कॉल्ड स्मॉल ब्रेन ब्रेन नॉट स्मॉलेस्ट लघु मस्तिष्क बोलते सबसे छोटा मस्तिष्क होता नहीं है तो वेरी गुड तो जब आपके ऊपर ऊपर वो उपर से टप कर देती है तो टप करके आपने देखा होगा एक तो हरा हरा होता है और एक बीच में सफेद सफेद होता है तो जो हरा हरा, हरा है दैट इज इक्वल टू आर येलो येलो जो हम सुबह में येलो येलो करते हैं वो हरा हरा, हरा है बट जो बीच में सफेद सफेद है वो एक्चुअली में क्रिस्टल होते है किसके यूरिक अम्ल के ठीक है यूरिक एसिड के ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी नेक्स्ट थिंग इज कॉकरोच किसके माध्यम से सांस लेते फेफड़ों से त्वचा से गलफड़ों से या फिर इनमें से किसी से भी नहीं ये छोटा दिमाग होता है मारने का नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है छोटा दिमाग होता है तो यहाँ चोट मत मारो यहां मारने से आदमी मर जाता है यहां मारने से कभी भी आदमी नहीं मरता यहां मारने से आपकी मेमोरी लॉस हो सकती हाँ अगर यहां मैंने मार दिया ढंग से किसी के भी तो तुम मर जाओगे यहां से कुछ नहीं होगा चलिए तो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी क्योंकि कॉकरोच आपका इंसेक्ट है जितने भी इंसेक्ट है आपके या तो

ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन या फिर एडीएच डी सुपर टेट कब तक आएगा जब सरकार चाहेगी कितने परसेंट यूरिया होता है यूरिन में ढाई परसेंट ढाई परसेंट सर इनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता क्लोए का कॉमन ओपनिंग नाना पाटिकर कहते हैं नाना पाटिकर बेटा बायोलॉजी नहीं पढ़ के आए हैं अच्छा है बवारी सर से बायोलॉजी पढ़ लो वो तो तुम्हें पढ़ा देंगे कि इसको छोटे दिमाग कहते हैं मारने से आदमी मरता नहीं है ठीक है अगर आपको आदमी को मारना है ब्रेन स्टेम पे मारो मारो यहाँ चटक जाएगा कभी नहीं उठेगा तो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर फीमेल में बन रहा है तो वो फीमेल माँ है क्योंकि अब उसमें मिल्क का प्रोडक्शन हो इसलिए इसको हम मैमोट्रॉफिक ममो मम्मा मम्मा मैमोट्रॉफिक हार्मोन भी बोलते MTHB भी बोलते MTH मसाला नहीं है MTH है ठीक है मैमोट्रॉफिक मैमोट्रॉफिक तमाई दो लड़की थी अब वो मम्मी बन गई है ठीक है पहले लड़की थी ठीक है फिर स्त्री हुई फिर औरत हुई अब वो मम्मी हो गई तो है बेटा गाल ब्लेडर का स्टोन ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल प्रोलैक्टिन प्रो लैक्टिन क्वेश्चन एक ग्राम प्रोटीन द्वारा कितनी मात्रा में ऊर्जा दी जाती है दो किलो कैलोरी चार किलो कैलोरी पांच किलो कैलोरी छ किलो कैलोरी <coughs> दुग्ध ग्रंथि को बढ़ाता है दूध नहीं वो एस्ट्रोजन करता है दुग्ध ग्रंथि को बढ़ाने का काम दूध बनाता है, यूरिन में यूरिया कैसे बनता है अरे यूरिन में यूरिया कैसे नहीं बनता किडनी फिल्टर करके निकालती है <laughs> यूरिन में यूरिया बना रहे हो किडनी फिल्टर करती है पहुंचा देती है वहीं से भी निकाल खड़े होके जहां लिखा होता है वो गधे के पूत या मतमूत पुष्पा झुकेगा नहीं साला नहीं पुष्पा झुकेगा कैसी बात कर रहे हो रोटी आएगी तो नहीं झुकेगा क्या खड़े खड़े कर लेगा क्या चलो तो एक ग्राम प्रोटीन की जो आपकी बेसिकली ऊर्जा की मात्रा है वो है चार किलो कैलरी ठीक है चार किलो कैलोरी या फोर किलो कैलोरी ठीक है अगर आपसे कैलोरिफिक वैल्यू पूछता कैलोरिफिक वैल्यू आपकी होती है इसकी फाइव बट फिजियोलॉजिकल एनर्जी पूछ रहा है ना आपको कितनी देना है तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू आपकी कम हो जाती है हमारी बॉडी में ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी नेक्स्ट थिंग इज लास्ट क्वेश्चन लैंग्रेंस की आइलेट में कितने प्रकार की कोशिकाएं है होती है? ये सेब केला लात खाएगा मुझसे मेरे को देख ही नहीं रहा देख ही नहीं रहा एक बार आपने पांच कैलोरी बताया था मैं मार दूंगा कैलोरीफिक वैल्यू जब पूछा जाए तो कैलोरीफिक वैल्यू कैलोरिफिक वैल्यूट हमको एनर्जी कितनी मिलेगी हमको एनर्जी फोर किलो कैलोरी मिलेगी <coughs> तो वेरी गुड लैंग्स में आपकी कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती है अल्फा कोशिका बीटा कोशिका ठीक है डेल्टा कोशिका ठीक है और आपका पीपी -पी कोशिका या फिर एप्स ठीक है

ऐसे बोलते हैं अरे भाई ठीक है देखिए जो आपका जो पृथ्वी है पृथ्वी में जो आपका है तो ये आपका गोल है पृथ्वी वो तो जिस समय आपका विभाजन हुआ था उन सर की बहुत सारे लोग प्र... नहीं जानते इसलिए उनको ऐसे आवाज से मनाना पड़ता है सबसे सुंदर सबसे पूरे वही सर दे उसके बाद थोड़े से हमारे सनी सर मुंडा फोड़ देंगे वाले जो सर है उनकी क्लास है ठीक है तो मिलते हैं आपका कल टिल देन हैव अ नाइस डे बाय बाय गुड नाइट टेक थैंक यू